नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। रेस्क्यू के दौरान कोल्ड स्टोरेज का एक हिस्सा फिर से गिरा। हादसे में सफाई कर्मी हुआ घायल। कोल्ड स्टोर के पास खड़े ट्रैक्टर पर गिरा कोल्ड स्टोरेज का मलबा। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर बढ़ेगा इनाम। 5,000 से 1,00,000 की इनाम राशि करने की तैयारी। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद आरोपी है शाइस्ता। ईद की खुशियां माता में तब्दील। ट्रक और कार की जोरदार भिड़ंत, एक की मौत, 2 अन्य सहित बच्चे घायल। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 शस्त्र फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। ब्लाइंड मर्डर का हुआ खुलासा। पड़ोसी युवक शादी का बना रहा था दबाव। विरोध करने पर वारदात को दिया था अंजाम। तिलक महाविद्यालय के 8 बैंक खाते हुए कुर्क। एसडीएम मनोज कुमार ने जारी किया नोटिस। कार के बोनेट पर बैठकर स्टंट करना पड़ा भारी। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। लखनऊ में अज्ञात डंपर की टक्कर से भूसा लदी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। हादसे में ट्रैक्टर सवार 1 की मौत, 3 घायल। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने घायलों को भेजा अस्पताल। एसआईटी के लिए चुनौती बनी हत्यारोपियों की जांच। अतीक अशरफ के हत्यारोपियों से लगातार जारी है पूछताछ। सूत्रों के पास विदेशी असलाहों का नहीं लगा अब तक सुराग। लखनऊ में अराजक तत्व लोगों ने की माहौल बिगाड़ने की कोशिश। माहौल को बिगड़ता देख भारी संख्या में मौके पर पहुंची पुलिस। बीजेपी की राजनीति में बड़े फेरबदल के संकेत। मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी साइडलाइन। नंदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वालों को बीजेपी में कराया गया ज्वाइन। आम आदमी पार्टी ने लॉन्च किया प्रचार गीत। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने लॉन्च किया गाना। मुख्तार अंसारी की पत्नी पर बड़ा इनाम। शाइस्ता परवीन से ज्यादा खतरनाक है मुख्तार अंसारी की पत्नी। मनी लॉन्ड्रिंग समेत 9 मामलों में है वांटेड। चौराहों पर वाहनों से हो रही अवैध वसूली। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने की जांच की मांग। संपत्ति विवाद में अधिवक्ता को मारी थी गोली। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। एक शादी समारोह में वकील से हुआ था झगड़ा। सीएम योगी सोमवार को करेंगे निकाय चुनाव प्रचार की शुरुआत। पहले दिन सहारनपुर में होगी जनसभा। सीएम योगी ने सपा पर कसा तंज। बोले, पहले नौकरियों में भाई भतीजावाद और जातिवाद था, अब इनका कोई भविष्य नहीं। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने अपनी ही पार्टी पर किया वार। बोले, भाजपा में मेरे खिलाफ साजिश हो रही। बरेली में महापौर के 2 नगर पंचायत अध्यक्षों के लिए 86 नामांकन। निकाय चुनाव के लिए पार्षद पद के सबसे ज्यादा प्रत्याशी। अलीगढ़ में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। सपा के मेयर प्रत्याशी की रैली का बताया जा रहा वीडियो। अतीक अशरफ हत्याकांड के सीन रिक्रिएशन रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। पुलिस ने कस्टडी मानकों का पालन नहीं किया। युवक के कपड़े उतार कर पीटने का वीडियो वायरल। अपनी शादी का कार्ड बांटने आया था मेरठ। 5 लड़कों ने गाड़ी में मारी टक्कर फिर मारने लगे। पत्नी के संदिग्ध मौत के बाद लाश लेकर पति फरार। 3 थानों की पुलिस महिला की लाश ढूंढ रही। मायके वालों ने हत्या के आरोप लगाए। संत कबीर नगर में नदी में डूबने से युवक की मौत। मछली पकड़ने गया था, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। कोल्ड स्टोर में माल लोडिंग के दौरान जमीन में धंसे पिलर। 2 मजदूर फंसे, 1 को सुरक्षित बाहर निकाला। बाइकों के आमने सामने टक्कर में 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। प्रयागराज रेफर। हादसे के बाद एक वाहन में लगी आग। वाराणसी में राजनीतिक दलों ने लिया ईवीएम का जायजा। ईवीएम से होगा महापौर और पार्षद का चुनाव। एनआईसी में बताई बारीकियां। अंबेडकर नगर में व्यापारी से मांगी 25,00,000 की रंगदारी। अपने भाई की हत्या में मुख्य गवाह है। रकम नहीं देने पर दी अंजाम भुगतने की धमकी। गारमेंट फैक्ट्री पर बाइक सवार 2 हमलावरों ने की फायरिंग। हमले में व्यापारी और उनके बेटे समेत नौकर बाल बाल बचे। सीओ कर रहे जांच।
बिलग्राम में दो दिन में 3 चोरियां, लाखों के जेवर और नकदी लेकर फरार हुए चोर ताला तोड़कर घर में घुसे थे। प्रेमिका के लिए बेटे ने की थी बाप की हत्या, चूहे मारने की दवा मिलाकर शराब पिलाई, फिर सीने पर मारा चाकू। बांगरमऊ में 20 फीट गहरी खाई में गिरी अनियंत्रित कार, 4 घायल गंभीर हालत में, 2 लखनऊ रेफर, ईद पर घूमने निकले थे चारों। बागपत में बाजार गई महिला हुई लापता, सब्जी लेने निकली थी घर से, पति ने जताई अनहोनी की आशंका, पुलिस से गुहार। गाजियाबाद में सिपाही ने रेहड़ी संचालक को पीटा, उधार सिगरेट देने से मना करने पर हुआ विवाद, सिपाही सस्पेंड, मुकदमे की तैयारी। उन्नाव में मकान का ताला तोड़कर 1.5 लाख की चोरी, परिवार गया था बाहर, चोरों ने खंगाला घर, अलमारी और बक्से के लॉक चटकाए। अमरोहा में दबंगों ने बाइक सवार को बुरी तरह पीटा, आंख में आई गंभीर चोट, बाइक का शीशा टकराने को लेकर हुआ था विवाद। भदोही में मेडिकल स्टोर संचालक को मारी गोली, गंभीर हालत में वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर, दुकान बंद कर घर जाते समय हमला। नायब तहसीलदार की पत्नी सुन रही फरियाद, एसडीएम ने दिए जांच के आदेश, तहसीलदार बोले तबीयत ठीक नहीं होने पर कार्यालय नहीं गए थे। उन्नाव में युवक का कमरे में पड़ा मिला शव, 1 सप्ताह से नहीं दिखने पर चाचा को हुआ शक, बॉडी देख बुलाए पुलिस। जांच में आस्था हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही आई सामने, 3 सदस्यीय टीम ने डीएम को सौंपी रिपोर्ट, प्रस्ता की मौत का था मामला। देवरिया में ट्रेन की चपेट में आकर मां बेटी की मौत, 2 बच्चियां बाल बाल बची, बाजार से लौट रही थी घर, सीमा विवाद में घंटों पड़ा रहा शव। मेरठ में सपा ने जारी की पार्षद प्रत्याशियों की लिस्ट, पुराने चेहरों पर पार्टी ने जताया भरोसा। कौशाम्बी में सड़क हादसे में 1 की मौत, 2 घायल, 2 बाइकों की आमने सामने हुई भिड़ंत, 2 महीने पहले हुई थी शादी। निकाय चुनाव में इमरान मसूद को मुचलका पाबंद, सिटी मजिस्ट्रेट ने मुचलका पाबंद कर 24 अप्रैल को तलब किया। फतेहपुर में युवक ने किया सुसाइड, शादीशुदा महिला से था अफेयर, परिजन बोले अश्लील वीडियो बनाकर कर रही थी बेटे को ब्लैकमेल। 155 देशों के जल से राम मंदिर का हुआ अभिषेक, अमेरिका के 14 मंदिरों और 12 नदियों का जल भी किया गया शामिल। राम मंदिर की पड़ने लगी छत, 80% तक का काम पूरा, रामायण के राम अरुण गोविल ने किए दर्शन, बोले मोदी जैसा कोई नहीं। 86 आईटीएस भूखंडों को जारी नोटिस, नोएडा में निरस्त हो सकता है आवंटन, प्लॉटिंग कर रहा सर्वे, नहीं हासिल किया कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट। अक्षय तृतीया पर गोरखपुर में 50 करोड़ की खरीदारी, शुभ मुहूर्त में खरीदारों की उमड़ी भीड़, कार और बाइक भी जीतने के मिल रहे ऑफर्स। महोबा में दिल दहला देने वाला हादसा, जहरीली गैस के रिसाव से पिता और उसके 2 बेटों की मौत। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के वकील को बनाया गया आरोपी, कई धाराओं में केस दर्ज। अतीक अहमद के कब्जाए जमीन, पीड़ितों को होगी वापस, योगी सरकार ने किया आयोग के गठन की तैयारी। यूपी में अगले 5 दिन लू से मिलेगी राहत, राज्य के कई इलाकों में बारिश की संभावना। नगर निगम में बनेगा आधुनिक रिकॉर्ड रूम, सुरक्षित रहेंगे जमीनों के दस्तावेज, 1 बटन से मिलेंगी फाइलें। बलिया में नवजात की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। अयोध्या में मिल्कीपुर के बाबा मौलेश्वर नाथ मंदिर में दीपोत्सव का आयोजन, परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया पर जगमगाए दीप, सैकड़ों भक्त हुए शामिल। फिरोजाबाद में डीसीएम में आया करंट, 1 की मौत, चालक और क्लीनर ने कूद कर बचाई जान, बिजली के तार ढीले होने के कारण हादसा। मुजफ्फरनगर में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, सड़क पर खड़े होकर बनवा रहे थे बाइक, कार ने मार दी टक्कर, ईद की खुशियां माता में तब्दील। रात का तापमान 5 डिग्री तक गिरा, अगले 72 घंटों तक आंधी बारिश के आसार, दिन के तापमान में 3 डिग्री की बढ़ोतरी। रायबरेली में कुत्ते के हमले से 1 बारहसिंगा की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल, पेड़ों की कटान से वन्य जीव गांव की तरफ भाग रहे।
काशी के G20 की दूसरी बैठक में दिखेगा देव दीपावली सा नजारा, गंगा किनारे होगी आतिशबाजी। निकाय चुनाव से पहले सपा को लगा एक बड़ा झटका, टिकट नहीं मिलने से नाराज सत्तू ने थामा कांग्रेस का दामन, पत्नी को मिला टिकट। शाइस्ता परवीन के बचाव में उतरे DDO के बर्खास्त प्रोफेसर, कहा असद का एनकाउंटर नहीं उसकी हत्या हुई है। वाराणसी में टायर गोदाम में लगी भीषण आग, धू धू कर जरा लकड़ी का टाल, दमकल की 7 गाड़ियां 3 घंटे बाद आग पर पाए काबू। निकाय चुनाव से महिलाओं की दूरी, प्रयागराज में महापौर के लिए महज 1 महिला प्रत्याशी मैदान में, 10 साल अभिलाषा थी महापौर। मैनपुरी में दर्दनाक हादसा, ट्रक ने पिता पुत्र को रौंदा, दोनों की मौके पर हुई मौत, परिवार में मचा कोहराम। कानपुर के कल्याणपुर थाने के सामने महिला से छेड़खानी, विरोध करने पर शौदों ने महिला से सिर पर बांध कर किया लहूलुहान, वही पति को भी पीटा। 4 दिन से लापता छात्र का नहर में मिला शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, कल्याणपुर थाने में किया हंगामा। गोरखपुर में मिले 17 कोरोना पॉजिटिव, सभी को थी सर्दी जुकाम की शिकायत, इलाज कराने पहुंचा तो जांच में मिले संक्रमित। वाराणसी स्टेशन से मिले 27 लाख रुपए, GRP ने छात्र को पकड़ा, वही पिट्ठू बैग में मिली रकम। बिजनौर में स्ट्रीट डॉग की पीट पीट कर हत्या, युवकों ने पागल बताकर बरसाए डंडे, पुलिस ने 8 लोगों पर दर्ज किया मुकदमा। गुड्डू मुस्लिम, आयशा नूरी और शाइस्ता है एक साथ, पुलिस और STF ट्रेस कर रही लोकेशन। कन्नौज में गंगा स्नान के दौरान डूबी 2 किशोरी, 36 घंटे बाद एक का शव मिला, दूसरे की तलाश जारी, 25 घंटे से रेस्क्यू में लगी SDRF की टीम। मुजफ्फरनगर में पूर्व सपा जिला कोषाध्यक्ष का इस्तीफा, जिला अध्यक्ष पर लगाया गलत व्यवहार करने का आरोप। रायबरेली में किराने की दुकान में लगाई आग, नकदी समेत लाखों का सामान जलकर राख, रंजिश में वारदात को अंजाम देने का शक। पचहत्तर जिले की 75 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस